श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। रे हुकुमानो रजमाल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री राज्य के आदेश के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ये बात समझा रहे हैं। गुणा डिठम पाइंजा जड़े नारम दिल धरे। गुणा डिठम पाइंजा, गुणा दोष डीठम देखा पाहिंजा, जब स्वयं के अवगुणों को देखा। जड़े नारम दिल धरे, जड़े जब नारम देखा दिल धरे, हृदयपूर्वक जब हृदयपूर्वक देखा तब गुणा डीठम पाहिंजा, अपने ही दोष दिखाई दिए। जब ध्यान से देखें तो लगता है कि ओह कमी तो मेरी ही है, हम लोग दूसरों की कमी निकालते हैं ना। तो यदि थोड़ा सा विचार करें तो कहीं ना कहीं हमारी भी कमी दिखाई देती है। अब राज्य की कमी निकालने जाएं तो हर कोई निकाल देता है, तो वास्तव में अपनी ही कमी है। तो वो बताना चाह रहे हैं, जब हमने दिल से विचार करके देखा, हृदयपूर्वक देखा, तो पता चला कि अपने ही दोष हैं, अपने ही अवगुण हैं, वो दिखाई दिए। हे पण गुणों खुदी जो जे फिरी नारम सहुर करे। हे पण गुणों खुदी जो, यह दोष भी खुदी जो अहंकार का ही था। यदि उसमें वो लगे ना कि हमें उसमें हमने अपने ऊपर देखा तो अपने ही अवगुण दिखाई दिए, तो ये अवगुण क्या थे, तो ये अहंकार का ही दोष था। जे फिरी नारम सौर करे, फिरी का तात्पर्य पुनः, नारम देखा सहुर करे, सहुर करके विचार करके देखा तो पता चला कि ये जो दोष था ये भी अहंकार का ही था। तो अहंकार के कारण ही ऐसा हो रहा है, जो परिस्थितियां चल रही है। तो सृष्टि को राज्य चला रहे हैं, जो दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं, और हम उसको लेकर के अपना कुछ न कुछ जोड़ते हैं, उसमें कुछ अपना जोड़ेंगे कुछ दूसरे का, वो सारा अहंकार के कारण होता है। तो इस बात को यहाँ समझा रहे हैं। तो ऐसे बहुत मार्मिक बात है, हम लोग यही नहीं समझते हैं तभी जा कर के दुखी होते हैं। इतना समझ लें तो हर कोई व्यक्ति सुखी हो जाएगा। गुणा डीठम पाइंजा जड़े थे यम जान। गुणा डीठम पाइंजा, पाइंजा गुणा डीठम, पाइंजा अपने गुणा दोष डीठम देखा। जड़े थे यम जान, जड़े जब थे यम जान, थेयम हुआ जान का मतलब ज्ञान, जानकारी। जब मुझे ज्ञान हुआ तब गुणा डीठम पाइंजा, अपने ही अवगुण दिखाई देने लगे, अपने दोष दिखाई देने लगे कि दूसरों के ऊपर क्या दोष देंगे, तो दोष तो अपने ही हैं, ऐसा होने लगा। गुणा डीठम से पण खुदी तरसी सपस्सी पणा। गुणा डीठम जो अवगुण देखे से पण खुद ही, वह भी अहंकारी था। तो कहने का तात्पर्य क्या है, ये जो अवगुण है वो अहंकार से ही उत्पन्न हुए थे। जो दोष, जो भी भूल की हमने, हमारे अवगुण हैं अथवा हमारे दोष हैं अथवा हमारी भूल है, वो जो भी हो वो भी अहंकार के कारण ही थे। त
तरसिस पशी पाण, तरसिस का तात्पर्य डरना, तो तरसिस डर 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 गई, पशी पाण स्वयं की ओर देखकर, स्वयं की ओर देख करके जब ऐसे ये देखा है तो अहंकार के कारण ये सब हो रहा है, तो मुझे डर लगा, क्योंकि अहंकार तो खराब करता है, तो मुझ में भी किसी न किसी प्रकार से अहंकार है, तो ये देख करके तो मैं डर गई, ऐसा कह रहे हैं। गुणा के अम अजान में, गुणा डीठ मय अजान, वैसे तो गुणा के यम अजान में, जो भी अवगुण किए हैं ना दोष, ये सब अज्ञान में ही किए हैं, जो कुछ भी भूल किए हैं वो अज्ञान में। गुणा डेठम माया अजान, और जो अवगुण दिखाई दे रहे हैं ये भी अज्ञान अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। जागृति में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ये कह रहे हैं। ये भी बहुत समझने जैसी बात है, जो कुछ अच्छा बुरा दिख रहा है ये भी अज्ञान के कारण ही है। जागृत हो जाते हैं तो इसमें अच्छा बुरा मानने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो देखा, दृष्टा बन करके देखा, जैसे कहीं कोई कुछ कर रहे हैं, कोई लड़ रहे हैं मर रहे हैं, तो खराब तो लगता है, लेकिन तो अपने ऊपर कुछ आ नहीं रहा है, लेकिन हमने अपने ऊपर डाल करके देखा तो सुखी और दुखी हो गए। दूसरे कुछ भी कर रहे हैं तो लगता है कि ये तो सृष्टि है, ऐसा होता है। तो ये समझें तो दमन चूरे रे हुकुमा, जड़े धनी पूरी डिन्नी पहचान। अब चौथे चरण को पहले समझना पड़ेगा। जड़े धनी पूरी डिन्नी पहचान, जब धनी ने पूरी डिन्नी पूरी दी पहचान, पहचान दी, जब धाम धनी ने पूर्ण पूर्ण पहचान करवाई, तब क्या पता चला। दमन चूरे रे हुकुम, रे हुकुम का तात्पर्य हुकुम के बिना, श्री राज्य के आदेश के बिना, दमन चूरे तो एक क्षण भी नहीं चलता, चूरे का तात्पर्य चलना। तो जब पता चला कि राज्य के हुकुम के बिना तो एक क्षण भी नहीं बीतता, तो जो कुछ भी है सब राज्य के हुकुम से ही है, तो अब यहाँ दम क्षण के लिए भी होता है, वैसे दम है श्वास है, तो ये कह सकते हैं राज्य के हुकुम के बिना तो एक श्वास भी नहीं लिया जा सकता। बोलते हैं ना, पत्ता भी नहीं हिलता, तो इसी प्रकार से यहाँ पर श्वास भी नहीं लिया जा सकता। दम न चूरे तो श्वास भी नहीं चलता, तो एक श्वास भी उनके आदेश के बिना तो ये शरीर एक श्वास भी नहीं ले पाता। तो जैसे ही उन्होंने अपना आदेश खींच लिया तो श्वास का आना जाना ही बंद हो जाएगा, इस प्रकार से करा रहे। जान गिड़म से पण खुदी, आऊं जुदी थिया हीन से। अब आत्मभाव कैसे बनाया जा सकता है, आत्मभाव कैसे हम विकसित कर सकते हैं, तो वो बात यहाँ समझा रहे हैं। जान गिडम से पण खुदी, जान गिडम तो मैंने जान लिया, जान गिडम मतलब जान लिया, कहने का तात्पर्य मुझे पता चल गया। इस प्रकार से जो हमारे अंदर भाव आ जाए तो सेपण खुदी, वो भी एक अहंकार का ही भाव होगा। आऊं जुदी थिया हिनसे, मैं आऊं, मैं जुदी थिया, अलग हूँ हिनसे इससे, मैं स्वयं तो ब्रह्म आत्मा हूँ, मेरा घर परम धाम है, तो मैं इस सारे प्रपंच से दूर हूँ, ये कहना चाह रहे। जुदी रहा तपण खुदी, जुदी रहा मतलब दूर हो जाऊं, किससे दूर होना, अहंकार से। जुदी रहा मैं तो अहंकार से तो अलग ही रहूं, तो अहंकार मुझ तक पहुंचे ही नहीं, इस प्रकार का भाव है। तपण खुदी वो भी एक प्रकार से अहम ही है, अहंकार से मैं तो दूर हूं,
ऐसा कहना ये भी अहंकार है। मुझे तो अहंकार होता ही नहीं है ऐसा कह देते हैं तो वो भी अहंकार ही है। जिसको नहीं होता हो तो उसको बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, तो अपने आप ही उसको हो ही रहा है, उसको वो अपने आप ही उसको पता चल रहा है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसी को बताने की आवश्यकता पड़ती है तो वो भी एक अहंकारी है। खुदी किए ना निकरे हिन में, खुदी किए, खुदी का तात्पर्य अहंकार, किए किसी भी प्रकार, किसी भी प्रकार से ना निकरे हिन में, हिन में माया में, माया में से इस दुनिया में, दुनिया में ये अहंकार किए ना निकरे किसी भी प्रकार से नहीं निकलता है। जिधर देखो कहीं ना कहीं अहंकार जुड़ा हुआ तो है ही, तो मुझे अहंकार है कहते हैं तो वहां भी अहंकार ही है। मुझे अज्ञान, मुझे पता नहीं है तो वो भी अज्ञानी है, तो मुझे पता चल गया बोलेंगे तो वहां भी अज्ञानी होता है। तो पता चल गया, समझ लिया तो वो कोई बोलने की बात ही नहीं होती है। तो ये कहना चाह रहे हैं अहंकार से दूर होना, अज्ञान से दूर होना, ये भी थोड़ा मुश्किल है। महामत चोए हे मोमिनो, महामत चोए, महामते कहते हैं हे मोमिनो, हे ब्रह्मात्माओं, कोई कितई न धनी रे, धनी रे, रे का अर्थ बिना, न धनी रे का तात्पर्य धनी के बिना, कोई धनी रे, धनी के बिना कोई कितई न, कोई कुछ भी, कहीं कहीं कुछ भी नहीं है। धामधनी के बिना तो कुछ है ही नहीं, तो उन वही सर्वत्र वही है ये समझना चाहिए। फिरी फिरी लख भेरा नारम सौर करे, फिरी फिरी बार बार, लख भेरा लखों बार, करोड़ों बार नारम देखें सौर करे, सौर करके विवेक से देखते हैं, लाखों बार देखेंगे तो यही पता चलेगा अंतिम में कि धामधनी के बिना कोई कहीं कुछ है ही नहीं, वो ही हैं, उनका आदेश ही चलता है, तो उनके अतिरिक्त कोई है नहीं। ये बात समझनी चाहिए, हम ये नहीं समझते हैं तो कुछ न कुछ भूल कर लेते हैं। तो ये प्रकरण आशिक के गुनाह दोष की बात थी। आशिष आशिक अनुरागिणी आत्माएं क्या भूल करती है तो ये बात यहाँ पर समझाइए। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, न्यारम सौर करे, न्यारम सौर करे, महामत चोए हे मोमिनो, महामत चोए हे मोमिनो, कोई कितई न धनी रे, फिरी फिरी लख भेरा नारयम सौर करे, नारयम सौर करे। जगत गुरु आचार्य श्री अक्षवार कृष्ण मणि जी।